तत्वाकर्षमल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गयम कीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन, युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म है, ऐसे युद्ध के समय तुम स्वधर्म से विमुख क्यों हो रहे हो? तुम्हारा इस प्रकार युद्ध से वैराग्य होना लौकिक सुख तथा कीर्ति का नाश करने वाला है। तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो जाओ, तुम्हें शोभा नहीं देता। हे परंतु तुम इस शुद्ध हृदय की दुर्बलता को परित्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे मधुसूदन, मैं अपने पूजनीय पितामह और गुरु द्रोणा के विरुद्ध युद्ध कैसे करूंगा? गुरुवर की हत्या न कर भिक्षा से मांगा हुआ अन्न ही हितकर है। अगर इस प्रकार युद्ध में पांडवों की विजय हो भी जाए तो विजय भी पराजय के समान है। केशव, पराजय के समान है। हे केशव, मेरे लिए क्या मंगलकारी है आप ही निश्चित कीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है जो इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सके। नहीं नहीं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। प्रज्ञावादांश्च भाषसे गदासो न गदाशोश्च नानशोचन्ति पंडिता। हे पार, तुम उन व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो जो सोचने योग्य है ही नहीं, और किसी ज्ञानी व्यक्ति की भांति वचन भी कह रहे हो। किंतु ज्ञानी व्यक्ति न तो प्राणहीन के लिए शोक करते हैं और न ही प्राणवान के लिए। हे पार, ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और यहाँ उपस्थित सभी राजा नहीं थे, और न ही ऐसा भविष्य में होगा। जिस प्रकार मानव शरीर बाल्यावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात आत्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। धीर व्यक्ति इस विषय में मोहित नहीं हुआ करते। आत्मा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिच्छस्व भारत। सुख दुख तो ऋतु की तरह बदलते रहते हैं। जो धीर व्यक्ति सुख और दुख को समान समझते हैं और इनसे विचलित नहीं होते हैं, वे ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं।